अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिला पीलीभीत में नगर में यात्रियों के विश्राम स्थल व बस स्टैंड की नगर पालिका अध्यक्ष प्रभात जायसवाल को ज्ञापन देकर मांग की है। पीलीभीत नगर में नौगामा चौराहे से गोहनिया चौराहे तक यात्रियों के लिए कोई भी विश्राम स्थल व बस स्टैंड और कोई भी बैठने की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पीलीभीत में आने जाने वाले यात्री धूप में बरसात में बस का इंतजार करते समय बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो आपके कार्यकाल में नहीं हुआ है। आपसे आशा करते हैं पीलीभीत नगर विश्राम स्थल व बस स्टैंड बनवाने का कष्ट करें, जिसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग सहयोग करेंगे। ज्ञापन सौंपने में सदस्य पंडित अनमोल अग्नोत्री, पंडित दिनेश शर्मा, पंडित आकाश पाठक, बंटी शर्मा, सौरभ सक्सेना, मोहित राठौर, पंडित अमित अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज फ्रीडम के लिए पीलीभीत से आकाश पाठक की रिपोर्ट। जी, जो आपने आज ज्ञापन दिया है, ये क्यों दिया है, क्या समस्या है? ये ज्ञापन मैंने इसलिए दिया है, यहाँ पर जो यात्री हैं, जितने भी जो बाहर से आते हैं, यहाँ पर नौगामा चौराहे है, छतरी चौराहे है और ये गोहनिया चौराहे है, यहाँ पर कोई भी ना तो बैठने का स्थल है, ठीक है, यहाँ पर जो पानी बरसता है तो कस्टमर भी बहुत सारे हैं, तो ये यात्री बाहर से आते हैं और ये भीग जाते हैं और इनको धूप में बहुत परेशानी होती है, तो इसीलिए ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पर जितनी जल्दी जल्दी हो बस प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जाए। तो आज जो आपने ज्ञापन किन्हें सौंपा है? ये हमने प्रभात जायसवाल जी चेयरमैन है उनको सौंपा है और उन्होंने हमसे ये कहा कि बहुत ही जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे जी, और ये बहुत जल्दी से जल्द यहाँ पर बनाया जाएगा। चलिए, महासभा की तरफ से तो ये क्या है, किस तरह की इस पर कार्रवाई की? ये क्या है, ये तो जिन्हें विज्ञापन दिया, जो ज्ञापन दिया है यात्रियों के लिए, मालूम करते जी, ये क्या है जी। बाकी उन्होंने मांग की है यात्री शेड की जी, तो उसकी जहाँ पे जगह देखी जाएगी जी, जहाँ जगह मिलेगी उसे बनवाएंगे जी, तो अच्छी मांग है जी, जनता की सुविधा के लिए मांगा है। तो ये कब तक इस पर कार्रवाई हो जाएगी? ये कार्रवाई जगह उपलब्ध होने के तुरंत बाद जी। तो इस पर काम चल रहा है, जो जगह उपलब्ध अभी कोई काम नहीं चल रहा है जी, अभी तो उन्होंने ज्ञापन दिया है जी।